दोस्तों पुष्पा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। फिल्म के हीरो भले ही अल्लू अर्जुन थे पर फिल्म की पूरी कहानी लाल चंदन की लकई के आसपास ही घुमती रही। इस फिल्म की कहानी रियल लाइफ कहानी है पर पुष्पा की नहीं बल्कि लाल चंदन की, जिसे लाल सोना भी कहा जाता है। भारत में विशेष स्थान पर पाई जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी का खासा महत्व है। वैज्ञानिक नाम टेरुकापस सेंटिलाइनस से पहचाना जाने वाला रक्त चंदन आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाने वाला पेड़ है, जिसकी वजह से काफी खून खराबा भी हो चुका है। और इस पर बनी फिल्म पुष्पा भी आपने शायद देखी होगी। चीन में इस पेड़ की विशेष मांग है, जिसके लिए तस्करी भी होती रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। आंध्र की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाने वाले रक्त चंदन के पेड़ को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। शैव और शाक्त मत को मानने वाले पूजा में इस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। रक्त चंदन में सफेद चंदन की तरह कोई सुगंध नहीं होती है। यह काफी गुणकारी होता है। औषधीय गुणों के साथ ही इसका प्रयोग सुंदरता को निखारने के लिए भी किया जाता है। महंगे फर्नीचर सजावट के काम के लिए भी रक्त चंदन की लकड़ियों की काफी डिमांड है। इसके साथ ही शराब और कॉस्मेटिक्स में भी इसका पूरा उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस लकड़ियों की कीमत काफी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लौर, कुर्नूल, चित्तूर, कड़प्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही रक्त चंदन के पेड़ उगते हैं। इस पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से लेकर 11 मीटर तक की होती है। इसका घनत्व काफी अधिक होता है और पानी में यह डूब जाती है। यही लाल चंदन की लकड़ियों की पहचान है। बड़े पैमाने पर रक्त चंदन की तस्करी भी की जाती है। 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों के कई हिस्सों में पाई जाने वाली इन खास लकड़ियों की तादाद 50% तक कम हो गई है। 5 साल पहले 2015 में एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत भी हुई थी। इसके साथ बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तस्करी करते पाए जाने पर 11 साल जेल की सजा का प्रावधान है। सड़क, जल, वायु इन तीनों मार्गों से रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करी की जाती है। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार पाउडर के रूप में भी तस्करी होती है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इन लकड़ियों की डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक मांग चीन में है। स्मगलिंग भी सबसे अधिक यहीं होती है। फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए मांग अधिक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना।